Good morning. Today in this session we shall study optimistic scheduling, which is also called optimistic concurrency control. तो दो हम लोग पढ़ चुके, लॉकिंग और टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल, लॉकिंग प्रोटोकॉल और लॉकिंग स्कीम. ये दो हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लासेस में. अभी ये हम लोग तीसरा टेक्निक पढ़ेंगे, ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल, या इन शॉर्ट इट इज आल्सो नोन एज ओसीसी. दीज टू आर पेसिमिस्टिक कंट्रोल. दीज टू आर पेसिमिस्टिक कंट्रोल, लॉकिंग स्कीम एज वेल एज टाइम स्टैम्प बेस्ड ऑर्डरिंग. What is meaning of this pessimistic? Because in these two techniques, we consider the worst situation. Worst situation means if two or more transactions concurrently attempts to access a data item, in that case, we imagine the worst situation that the conflict would raise. वहां पर निश्चित रूप से कॉन्फ्लिक्ट होगा ये मान के चलते और गड़बड़ होगा. बट ऑप्टिमिस्टिक शेड्यूलिंग में हम ऐसा नहीं सोचते कि गड़बड़ होगा ही, हम ये सोच के चलते कि अच्छा ही होगा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिमिस्टिक शेड्यूलिंग. होता क्या है कि लॉकिंग स्कीम में, लॉकिंग प्रोटोकॉल में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स वेटिंग सिचुएशन में रह जाता है. सपोज एक्स है, T1 इसको एक्सेस कर लेता है तो इसके पीछे T2, T3, T4 एंड सो ऑन ये क्यू हो जाते हैं. तो इसमें क्या होता है कि द ट्रांजैक्शन दैट इज एट द एंड ऑफ दिस क्यू, उस क्यू में जो सबसे लास्ट में ट्रांजैक्शन है, दैट कम्स इन द सिचुएशन ऑफ स्टार्वेशन. स्टार्वेशन मींस भूखमरी, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है एंड इट इज वेरी मच डिलेड. सो द यूजर that had issued the last the transaction that is at the end of the queue becomes very much delayed, kafi der ho jata hai usko. Usi tarah se time stamp based ordering mein kya hota hai ki har jaise koi transaction aaya usko dusre transaction ke sath usko compare karna padta hai time ke basis par ki which one is senior and which one is junior. So these two techniques take lot of time, kafi samay lag jata hai transaction ko execute karne mein. तो कंकरेंट एनवायरनमेंट में बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए क्या हो जाता है, डिलेज का कंसेप्ट हो जाता है, बाकी ट्रांजैक्शंस डिलेड हो जाते हैं. तो उसी पर्पस से, इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए ये ऑप्टिमिस्टिक शेड्यूलिंग का कंसेप्ट दिया. सबसे पहले H.T. Kung ने, S.T. Kung first of all proposed this optimistic scheduling technique, and he assumed that data items can be successfully updated at the end of transaction and the read and reads the values for data items. मतलब क्या है कि इसमें होता क्या है, basically बात समझ लें हम लोग कि कोई data item है जिसको read करना है. तो इस ऑप्टिमिस्टिक शेड्यूलिंग में एवरी ट्रांजैक्शन, एवरी कंकरेंट ट्रांजैक्शन इज अलाउड टू रीड इट. एवरी कंकरेंट ट्रांजैक्शन इज अलाउड टू रीड इट.
रीड करें, राइट भी करें, बट वेयर नॉट इन द सेकेंडरी मेमोरी। कहाँ राइट करें? इसकी इस टेक्निक की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि डाटा आर रेड इन टू अ लोकल कॉपी ऑफ द वेरिएबल। जो भी डेटा को रीड करेगा, जैसे एक्स को रीड किया, इसको क्या करेगा कि लोकल कॉपी में इसको कॉपी कर लेगा, लोकल वेरिएबल में इसको कॉपी कर लेगा, तो इसको लोकल कॉपी। एंड एनी अपडेट इज मेड इन द लोकल कॉपी इटसेल्फ। ओके, अभी इसके पहले क्या होता था कि जिस आइटम को रीड करना उसी को अपडेट करता था, और यही प्रॉब्लम होता था कि अगर एक ट्रांजैक्शन इसको अपडेट कर दिया, सेकेंडरी मेमोरी में नहीं लिखा, और इसी बीच में कोई ट्रांजैक्शन आकर के डेटा को रीड करता है, तो यहीं पर प्रॉब्लम होता है कॉन्फ्लिक्ट का, इनकंसिस्टेंसी का। इस टेक्निक की खासियत यह है कि डेटा रीड करने के बाद दैट इज कॉपीड इनटू अ लोकल कॉपी, लोकल वेरिएबल, एंड एनी अपडेट इज मेड इन दिस लोकल कॉपी वाली। तो फायदा क्या होता है इससे? द बेनिफिट इज दैट दिस लोकल कॉपी इज इनएक्सेसिबल फॉर अदर ट्रांजैक्शंस। बात समझ में आई? एक्स को रीड करेगा, इसका वैल्यू एक लोकल कॉपी में ट्रांसफर कर दिया, एंड एनी काइंड ऑफ अपडेट इज मेड इन दिस लोकल कॉपी, एंड दिस लोकल कॉपी इज नॉट एक्सेसिबल टू अदर ट्रांजैक्शन। दूसरा ट्रांजैक्शन इसको पढ़ ही नहीं सकता है। दूसरा ट्रांजैक्शन जब भी आएगा इसको पढ़ेगा, फिर वो भी उसको कॉपी करके लोकल वेरिएबल में डाल देगा और उसमें अपडेट करेगा। अब आखिर अपडेट होगा कैसे? होता यह है कि वेन अपडेट इज मेड इन दिस लोकल कॉपी, मॉडिफिकेशन आर मेड इन द लोकल कॉपी, इन देन DBMS वेरीफाइज। क्या वेरीफाई करता है? कि वेदर द अपडेट मेड इन दिस लोकल कॉपी इज कंसिस्टेंट वन और नॉट, वेदर दिस अपडेट वुड लीड टू इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस और कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। इफ दिस चेंज मेक्स द डेटाबेस इनकंसिस्टेंट, इन दैट केस व्हाट हैपेंस? द ट्रांजैक्शन इज अबोर्टेड और रोल्ड बैक। अगर डेटाबेस को इस कॉपी के वैल्यू को डेटाबेस में लिखने के बाद अगर डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाता है, तब क्या करेगा DBMS? उस ट्रांजैक्शन को या तो अबोर्ट कर देगा या रोल बैक कर देगा। अबोर्ट कर देगा तो यूजर विल अगेन हैव टू इशू द कमांड, और अगर रोल बैक होगा तो ट्रांजैक्शन विल हैव टू कम अगेन विद द न्यू टाइम स्टैम्प। इसमें भी टाइम स्टैम्प है, जैसे टाइम बेस्ड ऑर्डरिंग सिस्टम में हुआ, टाइम स्टैम्प बेस्ड में टाइम स्टैम्प यहाँ भी होगा, लेकिन जब ये रोल बैक होगा तो फिर नए टाइम स्टैम्प के साथ आएगा, फिर नए सिरे से वो अपडेट करेगा। यही इसकी खासियत है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, मीन्स कि अपडेट्स वुड बी मेड, ऑल द ट्रांजेक्शन वुड अलाउ टू रीड द डेटा वैल्यू, देन द डेटा वैल्यू वुड बी कॉपीड इन टू द लोकल कॉपी, एंड वेन अपडेट्स आर मेड इन द लोकल कॉपी DBMS वेरीफाइज whether this update would lead to the consistency of the database or inconsistency of the database. तब वैसे परिस्थिति में अगर consistency होगा तब तो वो permanent हो गया change, और अगर inconsistent हो जाएगा तो फिर वो change permanent नहीं होगा, transaction is rolled back. Okay? तो हम ये assume करके चलते, इसलिए इसका नाम है optimistic, कि all transaction at the end would make the database successfully complete and would make the database consistent. ये सोच के चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि concurrency increase कर जाता है। ऐसा जो locking में या time stamp based ordering में होता है कि बहुत सारे transactions को या तो queue कर दिया या उसको लौटा दिया, वो नहीं होता है इस technique में। इस पूरे scheme में हम लोग क्या करते हैं, इसको तीन phases में हम लोग बांटते हैं। रीड फेज, द एंटायर स्कीम इज डिवाइडेड इन थ्री फेजेस, रीड फेज, वैलिडेशन फेज
एंड थर्ड वन इज राइट फेज. तीन फेजेस में पूरे स्कीम को बांट दिया जाता है, रीड फेज, वैलिडेशन फेज और राइट फेज. जैसे ट्रांजैक्शन एक्टिवेट होता है, रीड फेज स्टार्ट्स. जैसे ट्रांजैक्शन एक्टिवेट हुआ, जो टाइम स्टैम्प उस पर पड़ा, दैट टाइम स्टैम्प इज द रीड टाइम स्टैम्प. रीड फेज इसका स्टार्ट हो गया, रीड करेगा, देन इट इज कॉपीड टू द लोकल कॉपी, अपडेट्स आर मेड इन द लोकल कॉपी, देन अपडेट इज मेड इन द लोकल कॉपी, देन डीबीएमएस स्टार्ट्स द वैलिडेशन फेज. जब चेंज हो गया लोकल कॉपी में, उसके बाद डीबीएमएस वैलिडेशन फेज स्टार्ट करेगा और चेक करेगा कि वेदर द अपडेट मेड इन द डेटा वैल्यू इज कंसिस्टेंट वन और नॉट. और अगर कंसिस्टेंट है तो फिर राइट फेज में जाएगा कमिट करने के लिए और सेकेंडरी मेमोरी में इसको लिख देगा. सो द रीड फेज कंटिन्यूज टिल द वैल्यू इज कमिट. जैसे कमिट इन द स्पेस फॉर लोकल वैल्यूएबल, नॉट इन द सेकेंडरी मेमोरी. तो जैसे रीड फेज कंप्लीट होता है, वैलिडेशन फेज स्टार्ट होता है. ओके, रीड फेज कब स्टार्ट होगा? से द टाइम व्हेन ट्रांजैक्शन गेट्स एक्टिवेटेड. जैसे टीआई आया, जितने बजे आया यहाँ उसको टाइम स्टैम्प पड़ा, जो भी पड़ा, से 8:01 पर, तो 8:01 पर इसका टाइम स्टैम्प पड़ा, वो एंटर कर गया. रीड फेज स्टार्ट्स एट 8:01 पर. और कब तक कंटिन्यू करेगा? जब ये वैल्यू को लोकल कॉपी में अपडेट कर देगा. अपडेट करने के बाद इसका काम खत्म हुआ, वैलिडेशन फेज स्टार्ट. तो जो रीड फेज का एंड टाइम होगा, फिनिश टाइम होगा, दैट वुड बी द स्टार्ट टाइम फॉर द वैलिडेशन फेज. ओके, और वैलिडेशन फेज जब कंप्लीट हो जाएगा, देन द टाइमिंग फॉर राइट फेज स्टार्ट. ओके, सो सपोज 8:01 पर ये एंट्री लिया, 8:05 पर इसका काम खत्म हो गया रीड फेज का, तो 8:05 क्या होगा? वैलिडेशन फेज का स्टार्ट टाइम हो जाएगा. और सपोज 8:07 वैलिडेशन फेज कंप्लीट होता है, तो राइट फेज के लिए 8:07 क्या हो जाएगा? उसका स्टार्ट टाइम हो जाएगा. और सपोज 8:10 पर यह कंप्लीट होता है, तो 8:10 इसका कंप्लीशन टाइम हो जाएगा. ठीक है. तीन टाइम स्टैम्प हम लोग लेते हैं. तीन टाइम स्टैम्प क्या है? टी एस आई, सपोज टी आई इज द ट्रांजैक्शन, तो टी एस आई इज द स्टार्ट टाइम स्टैम्प फॉर दिस ट्रांजैक्शन, फॉर ट्रांजैक्शन टी आई. टी आई के लिए ये स्टार्ट टाइम स्टैम्प हो गया. TVI is the start time stamp of read phase for TI. Start time stamp of validation phase. ट्रांजैक्शन टी आई. ठीक है, टी डब्ल्यू आई, दिस इज द स्टार्ट टाइम स्टैम्प ऑफ राइट फेज. ये तीन टाइम स्टैम्प हुआ, एक TSI क्या हो गया, ट्रांजैक्शन TI का के रीड फेज का स्टार्ट टाइम हो गया, TVI
TVI हो गया स्टार्ट टाइम स्टैम्प फॉर ऑफ वैलिडेशन फेज फॉर TI, TWI स्टार्ट टाइम स्टैम्प फॉर राइट फेज ऑफ TI. तो ये जो इसका स्टार्ट टाइम होगा दैट वुड बी द एंड ऑफ द TS रीड फेज, और इसका जो राइट टाइम होगा दैट वुड बी द एंड ऑफ वैलिडेशन फेज. ये तीन टाइम स्टैम्प लेकर के हम लोग ये चेक करते हैं कि वो ट्रांजेक्शन कितने बजे आया, कितने बजे उसका फेज स्टार्ट हुआ. ठीक है, अब कोई ट्रांजेक्शन है तो कब सक्सेसफुली कंप्लीट होगा ट्रांजेक्शन TJ can complete its validation phase successfully. If at least one of the following happens, conditions are satisfied. कंडीशंस है, इन तीन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, डेटाबेस कंसिस्टेंट रहेगा. तो पहला कंडीशन है फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस TI सच दैट TSI is less than TSJ. The condition TWI less than TSJ holds. It means all older transactions have completed right phase before younger transaction begins. इसका मतलब ये हुआ, ये TI का टाइम स्टैम्प है और ये TJ का टाइम स्टैम्प है. Less than का मतलब क्या हो गया कि this is the senior transaction. Greater इधर ये बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये younger transaction हो गया. Suppose ये 7 बजे आए, ये 8 बजे आए, ये क्या हो गया, सीनियर ट्रांजैक्शन हो गया, ये जूनियर ट्रांजैक्शन. तो ऐसे कंडीशन में यहां क्या कहता है कि सीनियर ट्रांजैक्शन का राइट फेज जूनियर ट्रांजैक्शन के स्टार्ट फेज से छोटा है, रीड फेज से छोटा है. छोटा मतलब मान लो ये 7:05 हुआ, ठीक है, ये 7:10 हुआ, मतलब कि ये यंगर ट्रांजैक्शन जब आया उसके पहले जितना भी ओल्डर ट्रांजैक्शन है they have completed their right phase. Means younger transaction is not at all interfering the updates made by the senior transaction. Is it clear? We have two transactions, TI and TJ. TI is an older transaction, senior transaction. TJ is a younger transaction, junior transaction. Okay? तो दो ट्रांजैक्शन जिसमें एक सीनियर है और एक जूनियर में है, अगर यहां पर कंकरेंसी स्थिति है तो यहां क्या होगा कि दिस कंडीशन शुड होल्ड. मींस कि TWI शुड बी लेस देन TSJ, यानी जूनियर ट्रांजैक्शन के रीड फेज. TSJ किसका होगा, TJ का रीड फेज होगा, और ये क्या है, सीनियर ट्रांजैक्शन TI का राइट फेज है. दिस मस्ट बी लेस देन TSJ, मींस कि ऑल ओल्डर